हाल ही में संपन्न हुई पटवारी परीक्षा में धांधली पर कांग्रेस पार्टी के आरोपों को बीजेपी विधायक नरेंद्र ठाकुर ने सिरे से नकारा है। हमीरपुर में नरेंद्र ठाकुर ने धांधली के मुद्दे पर पलटवार करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में हुई पटवारी परीक्षा में सिर्फ एक केंद्र पर ही मिसमैनेजमेंट की बात सामने आई है, लेकिन जाँच के बाद पता चला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाल ही में संपन्न हुई पटवारी परीक्षा में धांधली पर कांग्रेस पार्टी के आरोपों को बीजेपी विधायक नरेंद्र ठाकुर ने सिरे से नकारा है। हमीरपुर में नरेंद्र ठाकुर ने धांधली के मुद्दे पर पलटवार करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में पटवारी परीक्षा में सिर्फ एक केंद्र पर ही मिसमैनेजमेंट की बात सामने आई है, लेकिन जांच के बाद पता चला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पटवारी परीक्षा में पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया गया है और इतने बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश ने इस परीक्षा को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि पटवारी की परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई है। वहीं कांग्रेस पार्टी पर गिरते हुए नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर है, लेकिन वह सत्ता से दूर रहना नहीं चाहती है और लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की वजह से आज तक देश का विकास नहीं हो पाया है और आजादी के बाद पहली बार सरकार ने राम मंदिर और धारा 370 का मुद्दे को हल करवाकर कांग्रेस को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ विरोध करने के लिए ही बनी है और विरोध करती है। एक दो जगह जैसे कांगड़ा से कोई शिकायत आई है, लार्ज स्केल पे इंटरव्यू पूरे हिमाचल प्रदेश में हुआ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक आधे सेंटर के ऊपर मिसमैनेजमेंट की बात आ सकती है, लेकिन वो सारा उसकी इंक्वायरी के बाद पता लगा ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सही ढंग से और बिल्कुल फेयर इसका जो इंतजाम हुआ है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, वो सत्ता से दूर है और वो सत्ता से दूर रहना नहीं चाहती है। आज तक वो सत्ता में उन्होंने अपना स्वाद चखा है और उन्हीं की वजह से देश आज कहीं के कहीं पहुंचना था वो पहुंच ना सका। ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जो अभी हमारी केंद्र की सरकार जो बनी है, चाहे वो 370 का था चाहे वो राम मंदिर का था, ये ऐसे दो इशू थे जो आज़ादी के बाद हमारे देश की डेवलपमेंट में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई थी। जहाँ एक आतंकवाद का मुद्दा था, दूसरा धार्मिक तौर पे उछाल कर अयोध्या इशू को पूरे देश में एक दोनों कम्युनिटी के बीच में जो द्वेष पैदा किया जा रहा था, उन सबको समाप्त एक ही झटके से केंद्र सरकार ने किया है। तो कांग्रेस तो ये ख्वाब छोड़ दे, वो अब विरोध करने के लिए बनी है, विरोध करती रहे, लेकिन कांग्रेस का अब पब्लिक में कोई इमेज नहीं रहा है। तो उनका काम है विरोध करना, झूठे एलिगेशन लगाना। इस जो अभी हाल ही में जो पटवारी का इंटरव्यू हुआ है, इसमें कहीं भी किसी किस्म की कोई हेरा फेर की गुंजाइश नहीं है। वक्त तो चले, छोटे से ब्रेक आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।